हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश दीप एडू। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूटेट हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वैसे तो पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामाजिक विज्ञान से भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं साइंस और विज्ञान से भी रिलेट करते हैं। तो इस तरीके से आपके जीके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। वैसे ये 200 क्वेश्चंस जो हैं, 150 क्वेश्चंस इसमें मैं देने वाला हूं, लेकिन जिसे मैं 50-50 करके दूंगा। अभी ये पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको अगर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा और उस 3 सेकंड में आपको जवाब देना है और मैच करना है कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। और लास्ट में आपको क्या करना है, आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और जितने आपके क्वेश्चन सही होते जाएं उनको आप नोट करते जाएं और लास्ट में अपना स्कोर कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और देखिए कि वो कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। और आपको बता दूं ये सीटेट और यूटेट के फर्स्ट पेपर को ध्यान में रख के ज़्यादातर बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो जीके के हैं और जीके मतलब आपके सोशल स्टडी और साइंस के भी हैं, तो ये इक्वली उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, चाहे आप जीके की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सीटेट की यूटेट की, तो आज आपको पता चलेगा कि आप कितने तैयार हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत निम्न में से किस गैस का है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हीलियम। आपके पास 3 सेकंड है। सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही जवाब है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, बाकी अदर गैसेस होती हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस का प्रतिशत है वो है नाइट्रोजन का, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? सही जवाब है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जहाँ सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, बादल बनना, बारिश होना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल। ओजोन गैस को व्यक्त किया जाता है, तो ओजोन गैस को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? O2, CO2, O3 या CH4 मीथेन। O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 या CH4 मीथेन। सही जवाब है O3। ओजोन गैस को O3 में व्यक्त किया जाता है। ओजोन गैस की मात्रा को मापा जाता है इंचेस में, डॉप्सन में, फैदम में या नोट्स में? सही जवाब है डॉप्सन में। ऑक्सीजन गैस की मात्रा या ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है, ऑक्सीजन परत की जो मोटाई है, वो डॉप्सन में नापी जाती है, इंच में तो लंबाई नापी जाती है, फैदम में समुद्र की गहराई नापी जाती है और नॉट्स में हवा की तीव्रता मापी जाती है। तो सही जवाब है डॉप्सन। ओजोन परत में छेद की जो घटना थी सबसे पहले किस स्थान पर देखा गया था, सबसे पहले किस स्थान पर नोटिस किया गया था? ग्रीनलैंड, आयरलैंड, ब्राज़ील या अंटार्कटिका? सही जवाब है अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है बहुत ही सिंपल है, तो इसीलिए जो भी अगर वायुमंडल में अगर हल्की से हल्का भी चेंज होता है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट अंटार्कटिका में ही देखा जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओजोन परत के छेद के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? आपको बताना ओजोन परत के छेद के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जलवाष्प है, CFC है, आर्गन है या CO2 है? ओजोन परत के गैस के, ओजोन परत के जो छेद के लिए जो जिम्मेदार है वो गैस कौन सी है, तो आप बताइए कौन सी गैस है? सही जवाब है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है ओजोन परत के गैस के क्षेत्र के कारण के लिए। उल्कापिंड इस मंडल में आते ही जलते रह जलने लगते हैं, तो वो कौन सा मंडल है जिस मंडल में प्रवेश करते ही उल्कापिंड जलने लगते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? सही जवाब है मध्य मंडल। अगला प्रश्न है, यह मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके धरती पर वापस भेजता है, तो कौन सा मंडल है जहां इस प्रकार की घटना होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? सही जवाब है आयन मंडल, क्योंकि आयन मंडल में आयन्स की उपस्थिति होती है और आयन्स जो होते हैं वो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देते हैं और वापस भेज देते हैं, और इसी मंडल में जो संचार उपग्रह हैं, जितने भी कम्युनिकेशन जो हैं, रेडियो जो सैटेलाइट हैं, वो यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। रेडियो सैटेलाइट संचार जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उन्हें यहीं इसी मंडल में स्थापित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना आयन मंडल में। वायुमंडल की यह परत वायुयान उड़ने के लिए सर्वोत्तम दशाएं प्रस्तुत करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? सही जवाब है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं, बादल नहीं बनते हैं, तो समताप मंडल जो है वो सबसे अच्छी दशा प्रस्तुत करती है वायुमंडल में वायुयान उड़ने के लिए। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी दो गैसें हैं, ये आपको बताना है, SO2, NO2, CH4 और CO2। SO2, NO2, CH4 और CO2। अम्लीय वर्षा के लिए जो दो जिम्मेदार गैस हैं वो बतानी है आपको, केवल एक नहीं बतानी, दो बतानी है। तो सही जवाब है SO2 और NO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये दोनों जब मिलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और गंधक का निर्माण करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका सही जवाब है SO2 और NO2। नेक्स्ट, कौन सा बांध अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना और हीराकुंड परियोजना? तो बताइए कि कौन सा जो बांध है वो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? सही जवाब है दामोदर नदी, दामोदर घाटी परियोजना सबसे सही जवाब है, क्योंकि इसी का ये जो प्रोजेक्ट है अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। गोविंद सागर जलाशय इस बांध का है, तो वो कौन सा बांध है जिसका जो जल है गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध है, यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर बनाया गया है, तो इसका जो जल है वो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाखड़ा नांगल बांध इसके साथ ही विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा तो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है और हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर बना है। टिहरी बांध किस राज्य में है, टिहरी बांध किस राज्य में है, तो टिहरी बांध जो है वो है वो कौन से राज्य में, आपको बताना है, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? सही जवाब है उत्तराखंड। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, काली नदी, यमुना नदी, शारदा नदी? सही जवाब है भागीरथी नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस राज्य में है, आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड? सही जवाब है राजस्थान। ये तीन नदियों रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों से है संबंधित है, तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान में है,
आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था, आपको बताना है, जो भोपाल गैस त्रासदी कांड है जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, तो इसमें एक विषैली गैस का रिसाव हुआ था। वो गैस कौन सी है? MIC, MIG, NO2, CH4 या CO2? सही जवाब है मिक। भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना है उससे एक बहुत जहरीली गैस निकली थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के कारण, इस गैस के संपर्क में आने के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, लेयर है, वो कौन सी है? क्रस्ट, सरफेस, कोर और मेंटल? वो है क्रस्ट। तो आपको बता दो, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम क्रस्ट है, उसके बाद नंबर आता है मेंटल का, और सबसे जो सेंटर में है वो आपको अभी बताना होगा इस अगले प्रश्न में। पृथ्वी की सबसे केंद्रीय परत है क्रस्ट, सरफेस, मेंटल और कोर। सही जवाब है कोर। सबसे सेंटर में कोर है, क्योंकि क्रस्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे है मेंटल और उसके नीचे है कोर। इसी तरीके से इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। क्रस्ट को जो नाम दिया गया है वो सियाल भी कहते हैं, सियाल, सीमा और नीफे, ये इनके विशेषता के कारण दिया गया है। ऊपर की जो परत है वो सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जबकि बीच वाली जो लेयर है, जो मेंटल है, वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, और जो सबसे केंद्रीय है, जो सेंटर की है कोर, वो एनाई निकिल और एफी फेरस मतलब लोहे से बनी हुई है, निकिल और लोहे से बनी हुई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सियाल, सीमा और नीफे की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। जो ऊपरी परत है वो सियाल से बनी है, सीमा से मेंटल बनी है, और केंद्रीय परत जो केंद्र है वो नीफे से बना हुआ है। सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, Mn मैग्नीशियम, और नीफे निकिल और आयरन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 7 जून, और 5 अप्रैल, 5 जून और 15 जून। तो आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 17 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर या 19 सितंबर? सही जवाब है 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल? सही जवाब है 22 अप्रैल। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 25 अप्रैल, 22 मार्च, 24 अप्रैल? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल? सही जवाब है 22 मार्च। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, 10 अगस्त, सॉरी, 2 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, 1 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में? सही जवाब है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, क्योंकि जो वन महोत्सव होता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बायोडीजल प्राप्त किया जाता है जैट्रोफा से।
बांझ से, बांस से या लिप्टिस से? सही जवाब है जट्रोफा से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन हरित ग्रह, जो हरित ग्रह ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जिसे कहते हैं, के लिए जिम्मेदार नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन? जो गैस जिम्मेदार नहीं है उसका नाम बताना है आपको। उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। स्टेपी घास के मैदान। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में, कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है इसमें कि जो हार्मफुल गैसेस है उसमें कई सारी गैसेस आती हैं, जैसे वाटर वेपर्स आते हैं, जल वाष्प आता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, और CH4 मीथेन आती है, और ओजोन आती है। तो ये वो गैसें को, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है जो एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएंट एनर्जी को, एब्जॉर्ब करती हैं, और उसको किसके रूप में एब्जॉर्ब करती हैं, उसको थर्मल इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेंज की तरफ की रूप में उसको स्टोर करती हैं, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या यूरेशिया? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यूरेशिया में, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनता है, तो यूरेशिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या यूरेशिया? सही जवाब है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया? सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया? सही जवाब है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, या यूरेशिया? सही जवाब है डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या यूरेशिया? सही जवाब है जो टैगा वन है, टैगा वन यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुई थी, 7 अप्रैल 1973, 7 अप्रैल 1974, 7 अप्रैल 1972 या 7 मार्च 1973 में? तो आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है वो कब शुरू हुई थी। सही जवाब है 7 अप्रैल 1973। अगला आपको बताना है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, रामनगर नैनीताल में है, उत्तर प्रदेश में, देहरादून में है या गुजरात में है? सही जवाब है रामनगर नैनीताल में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या गुजरात में? सही जवाब है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथों का यहाँ पर, या एशियाई हाथियों का यहाँ पर संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, रामनगर, नैनीताल, उत्तर प्रदेश, देहरादून या गुजरात? तो गिर नेशनल पार्क जो है वो है
गुजरात में, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर का संरक्षण किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क है रामनगर नैनीताल में, उत्तर प्रदेश में, देहरादून में या फिर गुजरात में? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, रामनगर नैनीताल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? रामनगर, उत्तर प्रदेश, देहरादून या असम? सही जवाब है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है, और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया गया है। एक सींग वाला जो गैंडा है यहाँ देखा जा सकता है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, रामनगर नैनीताल, उत्तर प्रदेश, देहरादून या असम? सही जवाब है असम। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन है, इनमें से नवीकरणीय संसाधन का नाम बताना है, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या खनिज? सही जवाब है सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला, पेट्रोल और खनिज ऐसे संसाधन हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और इनका जो ये प्रयोग किया जाता है, इनको जब हम एक बार प्रयोग करते हैं तो इनका जो प्रयोग है, उपयोग है, वो उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है। लेकिन सौर ऊर्जा है जो पहले भी ऊर्जा देते आ रहा था, आज भी ऊर्जा देता है और आगे भी ऊर्जा देता रहेगा। नवीकरण, जिसका बार बार यूज किया जा सकता है। चिपको आंदोलन 1970 का जो प्रणेता है वो किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, हेमवती नंदन बहुगुणा को, विश्वेश्वर दत्त को, या इनमें से कोई नहीं? तो चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, क्योंकि 1970 में उन्होंने इसकी आधारशिला रख दी थी और यहाँ से शुरू किया गया था चिपको आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस उससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मांस के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या कृषि से? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से, दूध से। चिपको आंदोलन किस गांव की महिलाओं ने शुरुआत की थी? वैसे अगर आपको बताएं, चिपको आंदोलन 1970 में शुरू हो गया था, लेकिन बाद में ये और ज़्यादा फैला, और 1974 में किस गांव की महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी चिपको आंदोलन, जिसमें जो औरतें थीं वो पेड़ से चिपक जाते थे और उन्हें काटने नहीं देते थे? आपको उस गाँव का नाम बताना है। रेणी गाँव, पव्या गांव, सुआ, धुरी गांव? सही जवाब है रेड़ी गांव की महिलाओं ने किया था, गौरा देवी ने जिनका नेतृत्व किया था। तो चिपको आंदोलन इनके द्वारा, इन गांव की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था, रेड़ी गांव की महिलाओं के द्वारा 1974 में। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, वरुण, बुध या अरुण? सही जवाब है शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए, इसे सांझ का तारा या बोझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, इन नामों से भी इस ग्रह को बुलाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, के सुब्रमण्यम, एस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और जैसे नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये विश्व में माना जाता है, क्योंकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में जो जिसने इसकी शुरुआत की वो थे एस स्वामीनाथन। किस नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं? थेम्स को,
अमेजन नदी को, नील नदी को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। रिहंद नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी। सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? रिहंद नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र या कोसी नदी। सही जवाब है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो नदी, अमूर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या शी नदी। सही जवाब है जिस नदी को चीन का शोक कहा जाता है उसका नाम है हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन ध्यान रखिए रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर देखे हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके जो डिटेल में अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ें मैंने इसमें पूछी हैं, इसकी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप उस 2-3 वीडियो को देखना चाहते हैं, डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिंक मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनको मेंशन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और डिटेल में इनके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्योंकि 150 प्रश्न हैं तो 50 अभी हो चुके हैं, अभी भी 100 जो प्रश्न हैं वो अभी बाकी हैं, तो इसके लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।